जय महालक्ष्मी फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थानी दाल और फाफड़ा बाटी की रेसिपी। ये राजस्थान की एक फेमस डिश है। इसे बरसात के दिनों में और सर्दियों के दिनों में खूब बनाया और खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बाफला बाटी बनाएंगे। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसके ऊपर आटे वाली छन्नी रख दी है और इसमें मैंने 2 कप जितना आटा लिया है और यहाँ पर आधा कप जितना मैंने इसमें बेसन डाला है। अगर आपके पास मक्की का आटा हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा जीरा का भुना हुआ पाउडर डाला है, आधा चम्मच जितनी यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है, उसे इस तरह से मसल कर डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। सौंफ ली है यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच जितनी कुटी हुई। हल्दी पाउडर लिया है, इससे रंगत भी अच्छी आती है और ये एंटीबायोटिक का काम भी करती है। अब यहाँ पर मैंने मोयन के लिए घी लिया है। घी यहाँ पर मैंने जमा हुआ लिया है, हमें इसी तरह का घी लेना है। 2 चम्मच जितना घी मैंने इसमें लिया है। घी डालने से हमारी बाटियां अंदर से सॉफ्ट रहेंगी। और यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच जितनी बेकिंग सोडा ली है, खाना सोडा जिसे बोलते हैं, और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने दही ली है। दही हमें खट्टी चाहिए। अब सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सभी चीजें आपस में मिक्स हो जाएं इस तरह से। बहुत अच्छे से हमें इन्हें मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। बाफला बाटी का डो हमें सॉफ्ट लगाना होता है, जिस प्रकार का हम रोटियों का लगाते हैं उसी तरह का। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए ही हमें डो लगाना है और अच्छे से मसल लेना है। थोड़ा सा ताकत के साथ अच्छे से मसलते हुए इस डो को हम लगाएंगे ताकि हमारी बाटियां जो हैं वो बहुत अच्छी बनके तैयार हो। अच्छे से मसलते हुए डो लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने डो लगा लिया है और ये जैसा हमारा रोटी का डो होता है उसी तरह का है। और अब इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर चिकना कर लिया है। अब हम इसमें से लोइयां लेंगे, हमें जितनी बड़ी साइज की बाटी बनानी है उस साइज की हम लोइयां इसमें से ले लेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज की बाटी बनाई है, ये देखिए इसे इस तरह से मैंने कर दिया है और ऊपर से इस तरह से इसमें एक शेप दे देंगे। बाफला बाटी का शेप इस तरह का होता है। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, अच्छे से इसे हम दबाते हुए मसलते हुए गोल कर लेंगे और उसके बाद हल्की सी फ्लैट करने के बाद इसे ऊपर से अंगूठे की मदद से दबा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें करना है। अब सारी बाटियों को मैं इसी तरह से बना करके रेडी कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये बाटी बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो आप इस रेसिपी को एक बार से जरूर से ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, मैंने सारी बाटी बना के तैयार कर ली है और एक तरफ मैंने गैस पर एक बड़े से बर्तन में पानी बॉईल करने रख दिया है। पहले हम इन बाटियों को अच्छे से बॉईल करेंगे, पानी में अच्छा सा उबाल आएगा, फिर हम बाटी डालेंगे एक एक करके। अगर बिना उबाल आए हम बाटी डाल देंगे तो नीचे पैंदे में चिपक जाएंगी। उबाल आने के बाद ही हमें बाटियों को डालना है। ये देखिए, मैंने एक एक करके सारी बाटी इसमें डाल दी है और अब हमें इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से खुले बर्तन में उबलने देना है बाटियों को। और एक बार हम इनको चला लेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। ये देखिए, बाटी हमारी पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इन्हें हल्का सा उलट पलट कर देंगे ताकि सभी तरफ से अच्छे से ये बॉईल हो जाए।
देखिए 10 मिनट हो गए हैं बाटी को बॉईल होते हुए। इसी तरह से हम इन्हें 15 मिनट के लिए बॉईल कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी बाटियां बॉईल हो रही हैं और काफी बड़ी हो गई हैं अपने आकार से, और कुछ बाटियां तो क्रैक्स आके खुल भी गई हैं। तो ये सिंबल है कि हमने आटा बहुत अच्छे से लगाया है और हमारी बाटियां बहुत अच्छे से बनके तैयार होंगी। तो इनको उलट पलट के हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और ये देखिए तकरीबन मुझे यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं, बाटियां अच्छे से बॉईल हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए बाटी का आकार कितना बड़ा हो गया है फूल के। सभी बाटी को निकाल करके हम हवा लगने देंगे इनको कम से कम 10 से 15 मिनट। और अगर आपके पास बाटी कुकर नहीं है तो आज मैं आपको बिना बाटी कुकर के बाटी कैसे सेकते हैं ये बताऊंगी। इसके लिए यहाँ पर आप कोई भी पुराना सा तवा ले लें या जो आप डेली घर में यूज करते हैं वो ले लें। और इस तरह की छलनी सबके घर में होती है, ये चावल छानने की छलनी है। आपके पास आटा छानने की जो छलनी हो आप उसे इस तरह से रख दें और उसके ऊपर प्लेट लगाकर इसे 10 मिनट के लिए पहले हम मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक बार में जितनी बाटियां आती हैं उन्हें डाल के हम सेक लेंगे। ये देखिए बाटी को सिकते हुए यहाँ पर लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए अच्छे से सिकने लग गई है। ये देखिए अब इनको हम थोड़ा सा पलट लेंगे। वैसे इन बाटियों को ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, हमने इन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है, लेकिन फिर भी हम इन्हें थोड़ा सा अच्छे से सेक लेंगे उलटते पलटते हुए। हमें 3-3, 4-4 मिनट के अंदर इनको बार बार उलट पलट करनी है। और ये देखिए बिना बाटी कुकर के ही कितने अच्छे से बन के तैयार हो रही हैं। फिर से हम ढक्कन लगाकर इनको फिर से सेकने रख देंगे। 3-3, 4-4 मिनट में हम बार बार इनको देखते रहेंगे और पलटते रहेंगे। जहां से हमें ये कच्ची दिखेगी उस तरफ से हमें इसे यूं रख देना है ताकि अच्छे से सिक जाए। और ये देखिए इनमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और सिर्फ 5 मिनट हम इन्हें और सेकेंगे और ये बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इनको सेकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सिक गई हैं। अब सारी बाटी को हम निकाल के ठंडा कर लेंगे और अब हम दाल बनाएंगे। दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 घंटा पहले हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, तुअर दाल, चना दाल और काली दाल को 1 घंटा पहले भिगो दिया था। सभी दालें मैंने 2-2 चम्मच ली थी, बस हरी दाल मैंने 4 चम्मच ली थी, उसे 1 घंटा पहले भिगो दिया था। और अब दाल बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने कुकर में 1 बड़ा चम्मच जितना तेल लिया है। इसमें तेल गर्म होने पर 1 मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ डाला है बारीक। और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज हल्का सा भुनने के बाद इसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक का कूटा हुआ पेस्ट डाला है। मैंने 15 से 20 लहसुन डाली है इसमें, 2 हरी मिर्च डाली थी और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल के सभी को अच्छे से कूट लिया था। और इस सब चीजों को हम अच्छे से भुन लेंगे। ये देखिए इस तरह का कलर आने तक मैंने इसे भुन लिया है। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने सूखे मसाले पानी में घोल के डाले हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और गरम मसाला का पाउडर डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार सभी मसाले डाल लें और इस तरह से चलाते हुए इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे हम सभी चीज़ों को। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये दाल बनाने की और बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पर मैंने एक टमाटर ले लिया है बड़ा सा, उसे इस तरह से रफली कट कर दिया है और उसे भी हम इसमें डाल करके चला लेंगे, 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद जो हमने दालें भिगो के रखी थी उन सभी दालों का पानी निकाल करके और इसमें डाल देंगे। ये देखिए सारी दाल अच्छे से फूल गई है, मैंने इसे 1 घंटा पहले भिगो दिया था। और अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इन्हें पकने देंगे। अब 2-3 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। दाल हमारी काफी अच्छे से भुन गई है, हमें इसे ज्यादा भुनने की जरूरत नहीं है। और अब इसमें हम जितनी हमें दाल पतली खानी है उसके हिसाब से पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 लोटा पानी डाला है, यानी कि 3 ग्लास जितना मैंने इसमें पानी डाला है। और अच्छे से
एक बार चला के और ढक्कन लगा देंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप इस वक्त आधा चम्मच जितनी कसूरी मेथी डाल के उसे सीटी लगा दें। यहाँ हम इसमें 4 सीटी आने तक पकाएंगे तेज आंच पर। इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए हमारी दाल पक के तैयार है। 4 सीटी आ गई थी, कुकर ठंडा होने पर मैंने खोल दिया है। और अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और ढक्कन लगा कर रख देंगे इसे एक तरफ। और ये देखिए हमारी बाटियाँ भी जो बन के तैयार हो गई हैं, हल्की सी ये ठंडी हो गई हैं। इन्हें इस तरह से एक कपड़े में ले लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुए इनका मुंह खोल देंगे और फिर हम इसे घी से कोट कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो इन्हें एक कटोरी में घी लेके उसमें डिप करें। लेकिन अभी इतनी भी ठंडक नहीं है मौसम में, तो यहाँ पर मैंने घी की थोड़ी सी कोटिंग की है। और अब हम दाल बाटी को लहसुन की चटनी और मिर्ची के कूटे और प्याज और नींबू के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छी लग रही है देखने में हमारी दाल बाटी, और खाने में भी अच्छी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी। अपना ख्याल रखें।